दोस्तों आज मैं आप सभी को एक ऐसी वुमेन एंटरप्रेन्योर की जर्नी बताने जा रहा हूँ जिसने ट्रेडिशनल इंडियन जूतीज को फिर से ट्रेंड में लाके अपने खुद का एक ग्लोबल ई कॉमर्स ब्रांड बनाया है और आज उनकी कंपनी करोड़ों में रेवेन्यू जनरेट कर रही है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम नीडल डस्ट की फाउंडर शिरीनमान संगा की पूरी जर्नी के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि आखिर कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज थी जिससे उन्होंने ट्रेडिशनल जूती के बिजनेस को एक ग्लोबल ई कॉमर्स ब्रांड में बदल दिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि नीडल डस्ट एक ग्लोबल ई कॉमर्स ब्रांड है जहां से आप ट्रेडिशनल इंडियन हैंडमेड जूतीज खरीद सकते हैं। इनफैक्ट दुनिया में कहीं पे भी बैठ के आप वहां से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल डिजाइन के अलावा मॉडर्न टच वाली डिजाइन भी मिलेगी। तो बेसिकली ये खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड डिलीवर करते हैं। दोस्तों नीडल डस्ट को सिर्फ 4 साल हुए हैं चालू हुए, घर से चालू हुआ ये स्टार्टअप है। आज करीब 150 से ज्यादा देशों में ये ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे हैं एंड इनफैक्ट 2020 में अगर मैं इनकी रेवेन्यू देखूं तो करीब 11 करोड़ की इनकी रेवेन्यू थी। तो सिर्फ 4 सालों के अंदर घर से स्टार्ट करके इन्होंने 11 करोड़ की रेवेन्यू तक के अपने बिजनेस को ग्रो कर लिया। तो आइए अब मैं आपको इनकी पूरी बिजनेस की जर्नी बताता हूं और फिर मैं आपको इनका बिजनेस मॉडल और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी आगे बताऊंगा। तो दोस्तों एक्चुअल में नीडल डस्ट 2014 में शुरू हो गई थी। इनकी जो फाउंडर है शिरीन, वो एक्चुअल में मास कॉम स्टूडेंट है। वो बेसिकली लंदन से कार्डिफ यूनिवर्सिटी से अपना इंटरनेशनल जर्नलिज्म का कोर्स उन्होंने कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद वो इंडिया ही और फिर उनकी शादी फिक्स हो गई। अब अपनी शादी में हर लड़की को अपना आउटफिट परफेक्ट चाहिए होता है। शिरीन भी अपने आउटफिट के लिए बहुत ज्यादा पर्टिकुलर थी, लेकिन उनको एक प्रॉब्लम फेस हो रही थी, जो उनका अटायर है उससे मैचिंग की उन्हें जूती नहीं मिल रही थी। उन्होंने बहुत सर्च किया, बहुत खोजा, फिर भी उनको अपने अटायर के मैचिंग की जूती नहीं मिल पाई जैसा उन्होंने सोचा था, जैसा वो प्लान कर रही थी। तो बेसिकली जब उनको एट दी एंड कहीं नहीं मिले तो उन्होंने खुद ही डिजाइन किया और एक आर्टिशियन से खुद ही बनवा लिया उसको। तो जब वो पहनी अपनी शादी में तो काफी लोगों ने उस जूती की तारीफ की, काफी लोगों ने पूछा कि आपने एक्चुअली कहाँ से खरीदा है ये। और वहीं से ही उनको स्टार्टअप आइडिया आया कि क्यों ना हम इस ट्रेडिशनल इंडियन जूतीज को, हैंडमेड जूतीज को ऑल ओवर वर्ल्ड एक लग्जरी प्रोडक्ट बना के सप्लाई करें। एक बार जब उनका प्रोडक्ट रेडी हो गया फिर क्या था, उन्होंने धीरे धीरे पूरी डिजाइनिंग सीखी कि प्रोडक्ट की डिजाइनिंग कैसे करते हैं। उन्होंने बहुत सारे आर्टिशियंस के साथ टाई अप किए, उन्होंने वेबसाइट के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग सीखी और धीरे धीरे जो भी चीज़ें बिजनेस के लिए ज़रूरत थी वो धीरे धीरे होते गई, चलते गई और आज की डेट में 2020 में नीडल डस्ट 11 करोड़ से ज़्यादा की रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। और दोस्तों वहीं से ही नीडल डस्ट की कहानी शुरू होती है। आज अगर आप देखेंगे तो बॉलीवुड के ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ इनकी बनाए हुए प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी, बिकॉज ऑफ देयर यूनिकनेस। इनफैक्ट सिर्फ इंडिया में ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी इनके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा फेमस है, इसीलिए इनकी ज़्यादातर डिलीवरीज इंडिया के बाहर भी जाती है। तो आइए दोस्तों अब मैं आप सभी को इनका बिजनेस मॉडल बताता हूँ कि किस तरीके से इन्होंने अपने बिजनेस को शेप करके रखा है। डे वन से इनका प्रोडक्ट का आइडिया कंफर्म था, प्रोडक्ट का आइडिया एक ही था, दैट दे वांट टू मेक ट्रेडिशनल इंडियन जूतीज विथ मॉडर्न टच। तो बेसिकली ट्रेडिशनल इंडियन जूतीज इनको बनाना है और उसमें अपने खुद का मॉडर्न डिजाइन का टच हर एक प्रोडक्ट पे डालना है। ये इनका कॉन्सेप्ट डे वन से था, आज भी यही कॉन्सेप्ट है। अगर आप देखेंगे तो इनकी खुद की इन हाउस डिजाइनिंग टीम है जो सबसे पहले डिजाइन करती है, फिर इनके खुद की आर्टिशियंस की टीम है, खुद की ऑनलाइन मार्केटिंग वाली टीम है एंड बेसिकली जितना भी प्रोसेस है बिजनेस का वो सारा इन हाउस है। सेकेंड चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इनकी ब्रांडिंग। इन्होंने जानबूझ के अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग बहुत ही एज ए लग्जरी प्रोडक्ट ब्रांड किया है ताकि जो भी इनके प्रोडक्ट को देखे उनको एक लग्जरी फीलिंग आए। इनकी प्राइसिंग भी लग्जरी वाली है, काफी महंगे इनके प्रोडक्ट है एज कंपेयर टू नॉर्मल जूतीज। और अगर आप इनकी मार्केटिंग देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि बेसिकली ये अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर मार्केटिंग करते हैं, आर्टिशियंस के ऊपर मार्केटिंग करते हैं, ओरिजिनलिटी के ऊपर मार्केटिंग करते हैं। तो इनका ओवरऑल जो बिजनेस का कॉन्सेप्ट है वो इनकी लग्जरी ब्रांडिंग के साथ बहुत ज्यादा इंग्रेंड हो जाता है। बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी वैसी सॉलिड नहीं होती, उन पे कोई ऐसी यूएसपी नहीं होती और वो ट्राई करते हैं कि हम एक लग्जरी सेगमेंट पे अपने प्रोडक्ट को ब्रांड करें और वो ब्रांड नहीं हो पाती। लेकिन इनके प्रोडक्ट में वो हर चीज़ है, जैसे यूनिकनेस है, स्टाइलिंग है, क्वालिटी है, एक्सक्लूसिविटी है, जिनसे इनका जो प्रोडक्ट है वो एक लग्जरी प्रोडक्ट के सेगमेंट पे आ जाता है और जिनसे वो अच्छी खासी मार्जिन डिराइव कर सकते हैं। अब मैं आप सभी को इनके बिजनेस का पूरा साइकिल बताता हूँ जिससे आप स्टेप बाय स्टेप इनके बिजनेस को अच्छे से समझ सकते हो। सबसे पहले ये मार्केट स्टडी करते हैं कि कौन से प्रोडक्ट की या कौन से डिजाइन की ज्यादा डिमांड चल रही है,
फिर इनकी पूरी इन हाउस डिजाइनिंग टीम है जो प्रोडक्ट को डिजाइन करती है, वो डिजाइन आर्टिशियंस के पास जाती है, आर्टिशियंस उसी डिजाइन के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं, फिर वो प्रोडक्ट की फोटोग्राफी होती है और वो फोटोग्राफी हर जगह जो जहां जहां ये सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं वहां वहां सर्कुलेट होती है और वही फोटोग्राफी इनकी वेबसाइट पे जाती है। वेबसाइट पे कस्टमर बाय करते हैं, कस्टमर के थ्रू सेल्स होती है और सेल्स से बेसिकली वेयर हाउस में इनकी पैकेजिंग होती है और पैकेजिंग भी बहुत सॉलिड, बहुत अच्छी पैकेजिंग होती है। पैकेजिंग करने के बाद ये डिलीवरी पार्टनर्स को हैंड ओवर कर दिए जाते हैं, डिलीवरी पार्टनर्स एंड कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, फिर ये एंड कस्टमर से प्रोडक्ट का रिव्यूज लेते हैं, फीडबैक लेते हैं और उस रिव्यू और फीडबैक को रीमार्केटिंग के लिए यूज करते हैं। तो बेसिकली ये जो पूरा साइकिल है ये मार्केट स्टडी से चालू होता है और रीमार्केटिंग में खत्म होता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि एक ग्लोबल ई कॉमर्स के लिए ये बहुत परफेक्ट स्ट्रेटेजी है क्योंकि यहाँ से वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहे हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी खुद एंश्योर कर सकते हैं और ई कॉमर्स में अगर आप प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी दे रहे हो तो आप इजीली अपनी ब्रांड को एक लग्जरी ब्रांड की तरफ ढकेल सकते हो क्योंकि आपको सिर्फ उसके बाद ब्रांडिंग करना है, मार्केटिंग करना है। अब मैं आपको तीन तरीके बताऊंगा जिनसे ये बहुत अच्छे से अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रन करते हैं। तो सबसे पहली जो इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी वो थी लेवरेजिंग मार्केटप्लेस। इसका ये मतलब है कि शुरू में जब इन्होंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया था, देखिए सबसे ज़्यादा दिक्कत कब आती है ई कॉमर्स में, सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है शुरू में जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हो और आपको इनिशियल ट्रैक्शन नहीं आता, मतलब इनिशियल सेल्स नहीं होती, जब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि आपकी ब्रांड स्टेबल ही नहीं हो पाती शुरू में, 90% स्टार्टअप शुरू में ही डूब जाते हैं। तो इन्होंने ये चीज़ बहुत अच्छी की कि शुरू में अपनी मार्केटिंग के लिए एक मार्केट प्लेस को लेवरेज किया। शुरू में इन्होंने एक्सक्लूसिवली .in नाम की एक मार्केट प्लेस वेबसाइट है वहाँ पे सेल किया, एक हफ्ते के अंदर इनका स्टॉक पूरा फिनिश हो गया। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ये गलती करते हैं कि वो अपनी खुद की वेबसाइट बनाने के पीछे भगते हैं शुरू शुरू में और जब उनकी वेबसाइट पे मार्केटिंग नहीं होती, वेबसाइट पे सेल्स नहीं होती तो वो प्रोडक्ट बंद कर देते हैं, वो अपना स्टार्टअप बंद कर देते हैं। और यही बहुत बड़ी दिक्कत है कि कई लोगों का प्रोडक्ट अच्छा होते हुए भी वो अपने बिजनेस को, स्टार्टअप को आगे बढ़ा नहीं पाते क्योंकि वो मार्केट प्लेस को लेवरेज नहीं कर पाते। और इसी चीज़ को इन्होंने बहुत अच्छे से किया कि शुरू में इन्होंने अपनी खुद की वेबसाइट नहीं लॉन्च की, इन्होंने किसी और मार्केट प्लेस पर सेल किया और जब इनको ट्रैक्शन आया, जब इनको डिमांड आई, उसके बाद इन्होंने अपनी खुद की एक वेबसाइट क्रिएट की। वेबसाइट भी इन्होंने शॉपिफाई से क्रिएट की है। आप भी शॉपिफाई में 1-2 हज़ार रुपये में अपनी खुद की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। तो इन्होंने कस्टम मेड नहीं कराई, अपनी कस्टम डेवलप नहीं कराई, आप देख सकते हैं शॉपिफाई से ही खुद की वेबसाइट डेवलप की है। उसके बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का, जहां से मैक्सिमम लोग इनके पास आते हैं, इनसे खरीदते हैं प्रोडक्ट, इनका ट्रस्ट बिल्ट होता है, वो है इनकी सोशल मीडिया मार्केटिंग। अगर आप सिंपली इनके इंस्टाग्राम पे चले जाओ, सोशल मीडिया में भी मेजॉरिटी ऑफ इनकी जो मार्केटिंग है वो इंस्टाग्राम के ऊपर प्रिमाइज्ड है, आप इनके इंस्टाग्राम में चले जाओ तो आप देखोगे 4 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। और उसके बाद आप देखोगे एक एक कंटेंट को, तो हर एक कंटेंट बहुत अच्छे से एडिटेड है, बहुत अच्छा कंटेंट है, हाई क्वालिटी कंटेंट है, हर कंटेंट में बहुत अच्छे एंगेजमेंट है। अगर आप देखोगे हाइलाइट्स को तो उसमें इन्होंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी रिफ्लेक्ट की है, आपको मीडिया रिव्यूज वहां पे दिख जाएंगे, आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन के स्क्रीनशॉट्स वगैरह वहां पे दिख जाएंगे, आपको उनके नए नए प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे, आर्टिशियंस के पीछे की स्टोरी, जो प्रोडक्ट बनने के पीछे की स्टोरी है वो आपको दिख जाएगी। उससे ये सारी चीज़ों से क्या होता है, ट्रस्ट बिल्टअप होता है। सिर्फ मार्केटिंग ही नहीं होती, एक ट्रस्ट भी बिल्टअप होता है और इनफैक्ट आधे लोग तो वही प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। और इनफैक्ट शिरीन भी यही बोलती है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग ने पूरा का पूरा गेम बदल डाला। आज की डेट में उनकी जो मेजॉरिटी ऑफ सेल्स होती है वो इंस्टाग्राम मार्केटिंग से इंस्पायर्ड होती है, वो लोग होते हैं जो इनके इंस्टाग्राम में कंटिन्यूसली इनको फॉलो कर रहे हैं और यहाँ से जाके वो बेसिकली इनकी वेबसाइट में प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं। और दोस्तों जो तीसरी इनकी सबसे जीनियस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो है यूजिंग बॉलीवुड एक्ट्रेसेस एज इन्फ्लुएंसर्स। तो डे वन से इन्होंने एक चीज नोटिस किया कि इनके जो टारगेटेड ऑडियंस है वो बॉलीवुड को फॉलो करते हैं, मतलब जो लड़कियां हैं जो बेसिकली इनके ब्रांड से खरीदती है वो इन जनरल बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं। तो इन्होंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के थ्रू किया। कैसे किया वो भी बताता हूँ, वो भी बहुत स्मार्ट तरीके से। इन्होंने बॉलीवुड में जो बड़ी बड़ी शादियां होती है, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की शादियां होती है, उसमें अपने प्रोडक्ट्स को गिफ्ट करना शुरू कर दिया और वहां से इनको बेसिकली फ्री में कोलैबोरेशन है वो शुरू हो गया। एंड इसके बाद इन बॉलीवुड की बहुत सारी सेलिब्रिटीज थी जिन्होंने शुरू में इनके प्रोडक्ट्स को प्रेफर किया, जैसे सोनम कपूर इनकी सबसे पहली क्लाइंट थी और उसके बाद बहुत सारी बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस थी जैसे दीपिका पादुकोण है और भी बहुत सारी, आप इनके पेजेस में देख सकते हैं। अच्छा सबसे बढ़िया चीज तो इन्होंने ये किया कि जो जो बॉलीवुड एक्ट्रेस इनके इनके प्रोडक्ट को खरीदती है या इनकी प्रोडक्ट को पहनती है,
ये उनकी पिक्चर के थ्रू अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, ये उनकी पिक्चर के थ्रू अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे डालते हैं, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं। तो बेसिकली जब भी प्रोडक्ट खरीदने कोई वेबसाइट में कस्टमर आता है तो वो सबसे पहले देखता है कि अरे वाह इसको तो ये एक्ट्रेस पहनी है, अरे वाह इसको तो वो एक्ट्रेस पहनी है। तो बेसिकली इससे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट होता है और बहुत सारी लड़कियां सिर्फ इसीलिए जूती खरीदती हैं क्योंकि उनकी फेवरेट एक्ट्रेस ने कहीं ना कहीं वो जूती को पहना है। अब इन्होंने दोस्तों धीरे धीरे मूवीज के साथ भी कोलैबोरेट करना शुरू कर दिया, जैसे पद्मावत में इनका कोलैबोरेशन था, वीरे दी वेडिंग नाम की मूवी थी उसमें इनका कोलैबोरेशन था। अब दोस्तों ये नए नए कॉन्सेप्ट भी लेके आ रहे हैं, जैसे ये इवेंट गिफ्टिंग का एक कॉन्सेप्ट ला रहे हैं कि आपको अगर अपनी शादी में बहुत सारे लोगों को गिफ्ट करना है तो आप इनसे बल्क में प्रोडक्ट ले सकते हैं और गिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कई लोग गिफ्ट करने के लिए यूज करते हैं, कई लोग रिटर्न गिफ्ट देने के लिए यूज करते हैं, यू नो एज अ टोकन ऑफ इन्विटेशन लोग यूज करते हैं इनके प्रोडक्ट्स को। तो इवेंट गिफ्टिंग का जो मार्केट है उसको भी इन्होंने बहुत अच्छे से कैप्चर करके रखा है। अब दोस्तों इस वीडियो के आखिरी पार्ट में मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आप नीडल डस्ट की जैसे अपनी खुद की एक लग्जरी ब्रांड बना सकते हो, अपनी खुद की एक ग्लोबल ब्रांड बना सकते हो। तो सबसे पहली चीज है जो आपको रिक्वायर्ड है वो है आर्टिशियंस और आर्टिस्ट्स। ये बहुत जरूरी है, जो भी आप प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो, अभी मैं आपको फिजिकल प्रोडक्ट के बारे में ही बता रहा हूँ, कोई डिजिटल या सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप नीडल डस्ट की जैसे उनके पास जूती थी वैसे अगर आप कोई और चीज जानते हैं जो बेसिकली आपके शहर में आसपास आर्टिशियंस बनाते हैं, जैसे मैं आपको अपने शहर की बात बताऊं तो मेरे शहर के आसपास ऐसे आर्टिशियंस हैं जो बहुत अच्छी मूर्तियां बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपके एरिया के आसपास कौन कौन से अच्छे आर्टिशियंस हैं, कौन कौन से अच्छे आर्टिस्ट हैं या कौन कौन सी ऐसी चीज है जो काफी आर्टिस्टिक है। एक बार आप अपना प्रोडक्ट अच्छे से सेलेक्ट कर लिए तो आपका 50% काम वहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है, आर्टिस्ट अच्छी क्वालिटी का है, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट का पार्ट जो काफी बड़ा काफी हैवी पार्ट होता है ई कॉमर्स में, वो आपका यही फिनिश हो जाता है। उसके बाद शुरू होती है दोस्तों ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सेल्स की कहानी। अब वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्वालिटी कॉन्टेंट। अब दोस्तों लग्जरी ब्रांड बनाने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बहुत सारा कॉन्टेंट बनाना पड़ेगा, आप कम कॉन्टेंट बनाइए लेकिन क्वालिटी का कॉन्टेंट बनाइए। आप नीडल डस्ट के इंस्टाग्राम पेज पे देख लीजिए या कहीं पे भी सोशल मीडिया पे देख लीजिए, जो भी उनका कॉन्टेंट है वो बहुत क्वालिटी का कॉन्टेंट है। आप कम इमेजेस बनाइए लेकिन इमेजेस में बहुत ज्यादा अच्छे से इन्वेस्ट कीजिए, डिजाइनिंग में बहुत अच्छा इन्वेस्ट कीजिए, वेबसाइट को बहुत अच्छे से डिजाइन कीजिए, अपने सोशल मीडिया पेजेस को बहुत अच्छे से डिजाइन कीजिए, ताकि डिजाइन से आपके वेबसाइट आपके बिजनेस का लुक आए। जब भी आप किसी को प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हो, प्रोडक्ट को पैक कर रहे हो, तो प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से पैक करो, क्योंकि पैकेजिंग, वही बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो पैकेजिंग जो है वो आपके फिजिकल प्रोडक्ट का फर्स्ट इंप्रेशन है, फिजिकल प्रोडक्ट का फर्स्ट कॉन्टेंट है। वो आप जितने अच्छे से करोगे उतनी ज्यादा आपकी मार्केटिंग होगी, क्योंकि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, अगर आप एक लग्जरी सेगमेंट का प्रोडक्ट बना रहे हो, एक लग्जरी वेबसाइट बना रहे हो, एक लग्जरी ई कॉमर्स बना रहे हो, तो ज्यादातर आपकी ऑडियंस है वो फर्स्ट इंप्रेशन से ही आपको जज करती है, और दूसरी चीज वो आपको मार्केट भी करती है। अगर आपका पैकेजिंग बहुत अच्छा है तो लोग उसकी फोटो खींच के सोशल मीडिया पे जरूर डालेंगे, जहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगी। तो यहीं पे नीडल डस्ट भी बहुत अच्छी पैकेजिंग देती है। अगर आप भी अपनी एक बेसिकली लग्जरी वेबसाइट बनाना चाहते हो तो जितना आप प्रोडक्ट पे खर्चा नहीं कर रहे हो उससे ज्यादा खर्चा करो पैकेजिंग में, मतलब बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करो पैकेजिंग में, ताकि लोगों को जो अपीयरेंस है प्रोडक्ट का वो बहुत अच्छा है। अब दोस्तों जो चौथा पॉइंट है वो है शॉपिफाई से ही अपनी खुद की वेबसाइट बना लो। आपने देखा है नीडल डस्ट जैसी बड़ी ब्रांड भी आज की डेट में शॉपिफाई जैसे प्लेटफॉर्म पे, तो बहुत सारी ये प्रॉब्लम आती है कि लोगों को पता नहीं चलता कि ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने हैं तो कौन से प्लेटफॉर्म से बनाना चाहिए, कौन सा प्लेटफॉर्म सही रहता है। बेसिकली आप इस स्टेज में है कि आपको एक इनिशियल ट्रैक्शन आ चुका है, आपने प्रोडक्ट सेलिंग करना शुरू कर दिया है, तो शुरू तो आप अमेजन फ्लिपकार्ट में बेच के कर लीजिए जैसे उन्होंने किया है, लेवरेज करके मार्केट प्लेस को, और उसके बाद आप अपनी खुद की एक शॉपिफाई वेबसाइट बना लीजिए। शॉपिफाई में आप 2,500 में अपनी खुद की वेबसाइट बिल्टअप कर सकते हैं और उसको बहुत अच्छे से स्केल अप कर सकते हैं, मतलब बड़े लेवल पे स्केल अप कर सकते हैं। अब दोस्तों जो पांचवी सबसे अच्छी टेक्निक है, जो कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो हमने इस ब्रांड से सीखी है, वो है गिफ्ट करो और जितना हो सके इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेट करो। ये हमने इस ब्रांड के साथ सीखा है कि बेसिकली जितना आप कोलैबोरेट करते हो उतनी ज्यादा आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक आती है, उतना ज्यादा लोग जानते हैं। आप इन्फ्लुएंसर्स भी सेलेक्ट कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से सेलेक्ट कीजिए कि कौन आपका टारगेटेड इन्फ्लुएंसर है। इनके केस में उन्होंने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को चूज किया एज एन इन्फ्लुएंसर। आप अलग अलग लोगों को चूज कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के लोगों को चूज कर सकते हैं जो आपका इन्फ्लुएंसर बने। तो दोस्तों मार्केटिंग कैंपेन करने के लिए अच्छे इन्फ्लुएंसर्स खोजते रहो जिनकी सोशल मीडिया में बहुत अच्छी रेपुटेशन है, और सेकंड उनको फ्री में फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट प्रोवाइड करते जाओ। अब दोस्तों जो लास्ट सिक्स्थ टॉपिक है वो सारे ई कॉमर्स करने वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है कि B2C के साथ अपनी B2B सेल्स भी करें। जैसे आप देखें नीडल डस्ट अपनी B2C सेल्स भी करती है, B2B सेल्स भी करती है थ्रू इवेंट गिफ्टिंग,
वैसे ही अगर आप लग्जरी प्रोडक्ट का ई कॉमर्स बना रहे हैं या आप कोई भी ई कॉमर्स बना रहे हैं तो बी टू सी के साथ कहीं ना कहीं आपको बी टू बी यानी कि बल्क में प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा और उसके आप अलग अलग मीडियम निकाल सकते हैं। जैसे आप रीसेलर्स को दे सकते हैं प्रोडक्ट, जैसे आप इवेंट गिफ्टिंग कर सकते हैं जैसे उन्होंने किया, जैसे आप और अलग अलग तरीकों से अपने प्रोडक्ट को कंबाइन करके यू नो ऑफर प्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर आप कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट लोगे तो आपको इतना पड़ेगा, अगर आप यू नो एक सेट इसका पूरा का पूरा खरीदोगे तो आपको इतना पड़ेगा, अगर आप 10 पीस का सेट खरीदोगे तो आपको इतनी प्राइस में डिस्काउंट हो जाएगी या ये ऑफर्स आ जाएंगे, या फिर आप एक अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट निकाल सकते हो जिसको लोग सेट में ही खरीदें, जिसको लोग बल्क में ही खरीदें। तो आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बी टू सी के साथ बी टू बी के ऑप्शंस भी दो ताकि लोग बंडल में आपका प्रोडक्ट खरीदें और एक साथ आपका बड़ा पैसा बने। तो आई होप दोस्तों नीडल डस्ट की ये कहानी आप सभी को काफी इंस्पायर की होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपको खुद का अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना है या सोशल मीडिया से अपनी खुद का ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना है तो आप हमारा रीसेलिंग बिजनेस मास्टरी कोर्स ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। इस कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप सोशल मीडिया से स्टेप बाय स्टेप अपने खुद का ऑनलाइन बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बिना कुछ इन्वेस्ट किए, बिना कुछ निवेश किए। मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपना रीसेलिंग बिजनेस को सेटअप कर सकते हो, कैसे आप होलसेलर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो, कैसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट होलसेलर से प्रोडक्ट लेके उसको सोशल मीडिया पे रीसेल कर सकते हो, कैसे आप इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग कर सकते हो, व्हाट्सएप पे सेल्स कर सकते हो, कंटिन्यूसली अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तो अगर आपको बेसिकली सोशल मीडिया से अपना ऑनलाइन बिजनेस चालू करना है तो आप हमारा रीसेलिंग बिजनेस मास्टरी कोर्स जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।